Hello and welcome everyone. This is Sohail Bugyo. You are watching my YouTube channel English with Sohail Bugyo. Our expressions are different when we are hungry. Our expressions are different when we are thirsty. Our expressions are totally different when we are angry. हमारे चेहरे के तासरात बदल जाते हैं जब हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है या हम गुस्से में होते हैं. जब चेहरे के तासरात बदल जाते हैं तो उसी वक्त ठीक हमारे ज़बान पे जो अल्फाज होते हैं वो भी बदल जाते हैं. अपनी जो हमारी मदर टंग है या नेटिव लैंग्वेज है उसमें हमारे जहन में फिक्स्ड सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. ऐसे स्टेट्स में कॉमन डेली एक्सप्रेशन ये इंग्लिश का ऐसा टर्म है जो आप ऐसे स्टेट्स में यूज़ करके अपनी फ्लुएंसी, अपनी कम्युनिकेशन को वाइडन एंड रिचन कर सकते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. मोस्ट कॉमन डेली एक्सप्रेशंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये आज का हमारा टॉपिक है. इसके दो टर्म्स हम आपके सामने आज ला रहे हैं, मेकिंग अपोलॉजीज एंड थैंकिंग पीपल. मेकिंग अपोलॉजीज का मतलब होता है लोगों को माजत करना. आप हम जब किसी से माजरत करते हैं तो अमूमन हमारे जहन में आई एम सॉरी ये सेंटेंस होता है. ये एक अच्छा सेंटेंस है मगर एक सेंटेंस के होने से या रिपीटेडली यूज़ करने से आपकी लैंग्वेज के स्टैंडर्ड का पता नहीं चलेगा. हम आप जब ड्रेसिंग पहनते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे पास अच्छी वैरायटी होनी चाहिए. ब्लैक कलर हो, पर्पल कलर हो, येलो कलर हो, वाइट कलर हो, ऑफ वाइट कलर हो, ये सारी हम वैरायटी रखना चाहते हैं अपनी ड्रेसिंग की कलेक्शन में. मगर जब लैंग्वेज की बात होती है तो हम एक या दो सेंटेंसेस हमारे जहन में क्रैम्ड होते हैं, उनसे काम चला के कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. लैंग्वेज में स्टैंडर्ड का पता तब चलता है जब आपके पास एक ही सेंटेंस जहन में हो और उसकी कम्युनिकेट करने के लिए वैरायटी वास्ट हो आपके जहन में. जैसे यहाँ पे थोड़े बहुत सेंटेंसेस हमने आपके सामने आज लाए हैं अपोलोजाइज करने को, किसी के लिए किसी से अपोलोजाइज करने के लिए आई एम सॉरी कह दें किसी को. इस तरह से भी आप अपोलोजाइज कर सकते हैं, मौज़ कर सकते हैं. एडवर्ब ऑफ डिग्री ला के सॉरी जो एडजेक्टिव है उससे पहले आप थोड़ी बहुत इसमें चेंज ला सकते हैं, आई एम सो सॉरी. एक और तरीका है इसका, आई अपोलोजाइज फॉर डॉट डॉट डॉट. डॉट डॉट का मतलब ये है कि ये सेंटेंस अभी चल रहा था मगर जिस किसी से भी आप ये सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं उसको पता है कि आप किस वजह से उनसे मुआज़त कर रहे हैं. आई अपोलोजाइज फॉर डिस्टर्बिंग यू, आई अपोलोजाइज फॉर हर्टिंग यू. मतलब ये डॉट के आने से वो सेंटेंस जो आपने मिडिल में छोड़ा है उसका पता आपके लिसनर को लग चुका है. सॉरी इट्स माई फॉल्ट, आई डिडन्ट मीन टू हर्ट यू, आई बेग योर पार्डन. ये सारे ये जो वेज हैं ये मुख्तलिफ एग्जाम है सेंटेंसेस की जो आप यूज़ करके आप किसी से मौज़ कर सकते हैं. अगर यही सेंटेंसेस कोई आप पे यूज़ करें तो आप रिप्लाई दे सकते हैं इस तरह से, दैट्स ऑल राइट, कोई बड़ी बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, फॉरगेट इट, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट डजेंट मैटर. इस तरह से आप रिप्लाई कर सकते हैं जो कोई आपसे मौज़ कराओ ये सेंटेंसेस यूज़ करके. हम पे जब कोई फेवर करता है या हमें कोई फेवर देता है तो हम उसे थैंक्स वगैरह कहते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास एक अच्छी वैरायटी होनी चाहिए. थोड़े बहुत जितना भी हम आपके लिए आज कर सकते हैं ये कॉमन डेली एक्सप्रेशंस मज़ीद हम आपके सामने लाएंगे, मगर आज जो दो टर्म्स हैं उन पे बात हो रही है, एक थैंकिंग पीपल, दूसरा मेकिंग अपोलॉजीज. आप कह दें कोई फेवर आपको दे रहा है थैंक यू या थैंक्स या थैंक्स अ लॉट या यू आर सो काइंड. इस तरह से आप किसी को अप्रिशिएट कर सकते हैं जो आपको कोई फेवर दे रहा है. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस थैंक्स, यू हैव मेड माई डे. इस तरह से आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं या थैंक भी कर सकते हैं किसी को. आप को अगर रिप्लाई देना हो इसका, कोई आपको थैंक करना चाह रहा हो तो आप इस तरह से कह सकते हैं, यू आर वेलकम, माई प्लेजर, डोंट मैंशन इट, फॉरगेट इट. याद रखें ये आप थैंक करने के लिए या ये जो रिप्लाईज हमने यहाँ पे लिखे हैं ये अगर आपको कोई थैंक यू कह रहा है उसे आप रिप्लाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. दो
कॉमन डेली एक्सप्रेशंस की हमने टर्म्स आज यहाँ पे क्लियर किए हैं, मेकिंग अपोलॉजीज एंड थैंकिंग पीपल। मजीद मोस्ट कॉमन डेली एक्सप्रेशंस के टर्म्स हम आपके सामने लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रैक्टिस करें। कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।